क्योंकि इस बार जो इंसान खड़े हुए सत्य प्रकाश गौतम जी, एक तो पढ़े लिखे है, दूसरा एडवोकेट है। अब जो आज भारतीय जनता पार्टी कभी किसी जमाने में 2 सीट पे थी, आज वो 308 सीट पे है, 302 सीट है। कोई स्थायी नहीं होता है राजनीति में, हार जीत हमेशा लगी रहती है। बीजेपी को घमंड हो चुका है और वो ये घमंड उतरेगा इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं आपके साथ संजीव। मैं फिलहाल मौजूद हूँ जामनगर हाउस में, जहाँ पे अभी सत्य प्रकाश गौतम जी जो की एडवोकेट है, वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे अपना नामांकन दर्ज करने आए नई दिल्ली लोकसभा सीट से। यहाँ पे समर्थन में काफी लोग हैं, बात करें एडवोकेट होने की वजह से एडवोकेट भी उन्हें काफी समर्थन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से यात्रा निकली थी और आप यहाँ पे पहुंच चुकी है और जामनगर में नामांकन किया जा रहा है। नमस्कार भैया, क्या नाम है? रिकी वेला। अच्छा भैया, जिस तरीके से कहा जाता है कि बसपा का तो वजूद खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब तो रेस में ही नहीं है, आम आदमी बीजेपी और कांग्रेस ऐसी ही है। सर, आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीट पे एक बीएसपी लड़ रही है, तो आप कैसे कह सकते हो हमारा वजूद खत्म हो रहा है? और दिल्ली में 2008 का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 14% वोट थी हमारी, 2 विधायक थे, 17 पार्षद थे, तो आप कैसे कह सकते हो हमारा वजूद खत्म हो रहा है? पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने नामांकन के लिए यहाँ पे आपके सब समर्थन आया, क्या लगता है कितने वोटों वोट से इस बार जीत मिल पाएगी या मिल पाएगी भी या नहीं? सर, इस सीट पे नई दिल्ली लोकसभा पे हम 101% जीत रहे हैं, क्योंकि इस बार जो इंसान खड़े हुए सत्य प्रकाश गौतम जी, एक तो पढ़े लिखे है, दूसरा एडवोकेट है और इतने अच्छे इंसान है कि सारे समाज को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो इस बार जरूर सीट आएगी हमारी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह एडवोकेट, आई एम प्रैक्टिशनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। माय क्लिक्स मिस्टर सतेंद्र कुमार, जो इस समय जो नॉमिनेशन करने गए हैं वो हमारे कुलीग्स हैं, हमारे साथी हैं और समाज के लिए हमारे साथ संघर्ष करते हैं, अच्छा सभी समाज के साथ मिलकर काम करते हैं। और आगे आने वाले समय में ऐसा है कि ये आपने एक क्वेश्चन करा था अभी भाई से कि बसपा खत्म हो गई है, बसपा का वोट बैंक खिसक रहा है। देखो राजनीति में देखो हमेशा कोई पार्टी कभी सत्ता में रहती है कभी नहीं रहती है, तो अप डाउन चलता रहता है, हमेशा कोई एस्टेब्लिश नहीं रहता है। अब जो आज भारतीय जनता पार्टी कभी किसी जमाने में 2 सीट पे थी, आज वो 308 सीट पे है, 302 सीट है। देखिए ये तो सत्ता में जनता अपना मैंडेट कभी किसी को देती है कभी किसी को, बसपा कभी खत्म होने वाली नहीं है, बसपा जिंदा रहेगी हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अभी स्मृति ईरानी का एक बयान आपने चर्चा में देखा होगा, जो जो यूपी की सीट से अभी खड़ी हुई है, उनका कहना है कि उनके टक्कर में इस समय कोई है नहीं, इसलिए कोई सामने आ नहीं रहा है। टक्कर में आज खड़ा तो हो गए, हमारे वहाँ पे बीएसपी का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट खड़ा हो गया। अब ये तो कहने से अपने आप राहुल गांधी जी हमसे डर गए हैं इसलिए, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कहने के लिए तो कह दो आप शेख संजय वाले सपने देखते रहो, कोई स्थायी नहीं होता है राजनीति में, हार जीत हमेशा लगी रहती है, वो अपने को ये घमंड वाली बात है, बीजेपी को घमंड हो चुका है। अच्छा हाँ, बीजेपी को घमंड हो चुका है और वो ये घमंड उतरेगा इस बार। प्रभातिन का कहना है बीजेपी को घमंड हो चुका है इस बार, वो घमंड कहीं ना कहीं टूटने वाला है और काफी और कार्यकर्ता है। क्या नाम है भैया? और भी क्या नाम है? मेरा नाम नैन सिंह है। अच्छा, नामांकन के लिए आए, क्या ऐसा सपोर्ट मिल रहा है इस समय? बहुत बढ़िया मिल रहा है, हर जगह से जीत के आएंगे, हरियाणा से भी जीत के आएंगे, दिल्ली से भी जीत के आएंगे, मध्य प्रदेश से भी जीत। नई दिल्ली सीट का कैसा रुख है? अच्छे वोटों से जीत के आएंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा वोटों से, 50,000 प्लस से वोट जीत के आएंगे। भाजपा वादा कर रही है 400 पार के वादे हैं, मोदी सरकार है, 40 भी नहीं आएंगी इनकी अच्छी तो, यहाँ मैं बोल रहा हूँ 40 भी नहीं आएंगे। दिल्ली की 7 सीट हमारे नाम है, कोई नहीं आ रही उनकी, एक भी सीट नहीं आ रही। आप सच्चाई दिखलाओगे ना और समाज के अंदर जाओगे, मोहल्ला बस्ती में जाओगे, तो उनसे पूछो, महंगाई की तरफ वोट पड़ेगा अगली बार, समझे ना। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। ये तो खाली हवा है भाई, ये 400 पास। अच्छा। और ये हवा है खाली, जब 400 सीटों पर कोई पार्टी लड़ी नहीं रही तो 400 पार करेगी कैसे? खुद वो बीजेपी खुद अपने दम पर 365 सीटों पर लड़ रही है, तो 400 क्या कहीं और से लिखेंगे, क्या पाकिस्तान की सीटों पर जोड़ रहे हैं ये? अब ये बताओ, ये बीजेपी गरीब शब्द नहीं बोल सकती, गरीब का पूरा मतलब ही नहीं मालूम आज तक बीजेपी को, गांव से गरीब, राह से रोजगार देने में नाकाम रह गई है नहीं, और वहां से बेरोजगारी देश में दुनिया भर की बड़ी पड़ी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने तो कई योजनाएं चला दी युवाओं के लिए और काफी जनता के लिए, आपने धरातल पे देखी कोई योजना तुम्हारे प्रति चली है, न्यूज चैनल के प्रति को चली है? आप उनके जो वीडियो जो बिका हुआ है वही कर सकता है कि हम रोजगार क्या दिया, बताओ कौन सी योजना चली है, योजना का नाम आप ही बता दो, मैं आपसे संपर्क कर लेता हूँ।
आपने कोई योजना सुनी है? वो क्या प्रधानमंत्री कौशल योजना, विकास योजना, ये योजना धरातल पर है। आज गैस के दाम देख लो, 400 से कहाँ पहुँच गए, आज 1400 रुपए का लोग बाग, अभी कुछ 1900 रुपए घटाए हैं, अब आने वाले टाइम में 1900 का सिलेंडर खरीदोगे आप ही, अगर ये सरकार आती है तो। लेकिन अब जैसे तो आने में बहुत दूर है, क्योंकि बहन जी ने वो जमीन साइलेंट वोट के साथ बहन जी ने वो काम कर दिया है। आज भी हमारे देश में सबसे बड़ी पार्टी जो सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद लड़वा रही है उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी उनके दूसरे नंबर पर है लोकसभा लड़वाने में। आपने गठबंधन के साथ तो प्लस में है, लेकिन वैसे नहीं है जितनी ज्यादा बहन जी लड़वा रही है। कहने का मतलब है कि बेरोजगारी और क्या बोलते हैं महंगाई का एकमात्र सोच भाजपा है। हाँ जी, बहुत सारा भाजपा बहुत बड़ी सोच है। 10 साल में हमारे देश को कहाँ से कहाँ ला दिया, जीडीपी आप चेक कर लो, मेरा कहना जी अपना भी चेक कर लो। नेटवर्क विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। अर्थव्यवस्था आप सोशल मीडिया पर हो, नेट भी आपका, गूगल भी चेक कर लो कौन से नंबर पर है इंडिया। मैं नहीं कह रहा, वो आपको गूगल ही बता देगा, या तो गूगल फेक हो रहा है, गूगल को क्या तो बेकार है, अब मान लेगा जी गूगल बेकार है। अब देखो, खुद देखो ना अपना। कहते हैं सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, हाईवे का निर्माण कर रहे हैं, 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। आप मैं ना अभी काशी विश्वनाथ हो गया हूँ, अब मेरे साथ चलो, मैं आने आने का किराया मैं देता हूँ, चलो। वो काशी विश्वनाथ की सड़कें टूटी पड़ी है जिन रोडों से हम चलते हैं, और आप यहाँ चले आओ, अभी आप जमुनोत्री चले आओ, उत्तराखंड में 2 बार के सीएम हो गए, उत्तराखंड चलो मेरे जमुनोत्री बैद्यनाथ केदारनाथ मैं लेके चलता हूँ, आप वहाँ की सड़कों को दिखाता हूँ क्या हालत है, बहुत बड़ी बेकार हालत है। अगर आपने देखना सड़कों की हालत है, नाड़ा देखो, लखनऊ देखो, गांधी ने हाईवे एक्सप्रेस बनाए उन लोगों को देखो, उन चीजों को देखो, यूनिवर्सिटी जितनी गांधी ने बनाई है 10 साल में मोदी जी ने, यूनिवर्सिटी का नाम आप पता है तो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, कोई स्कूल बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया। 2 घंटे में लखनऊ तक की दूरी तय करेंगे ऐसा बोल रहे हैं? वो तो आज भी कर लूं, मैं करा दूं आपको, बहन जी के बनाए हुए, तो आपसे नोएडा से लखनऊ लेके चलता हूं, 2 घंटे से पहले अगर कार ना लगा दूं जो कहोगे वो आ जाऊंगा। अभी चलो मेरे, वो क्या उससे पहले बहन जी की सोच होगी, और किसी टाइम में नोएडा को कोई पूछता था, जैसे बहन जी ने पार्क बना दिया, स्मारक बना दिया, बहन जी ने यूनिवर्सिटी बना दी, कॉलेज बना दी, और इंडस्ट्री एरिया लिया है बहन जी, उसके बाद बताओ कोई, उसके बाद कोई आई है तो बता दो, आप भी बता दो। आज ग्रेटर नोएडा तक बना हुआ है बहन जी के दम पर, मतलब वो बहन ने कोई काम नहीं किया 10 साल। हाँ जी, एक काम करा बहुत बड़ा, बेरोजगारी बढ़ा दी, और इससे बड़ा काम कुछ होगा, बेचारों को लोगों को भीख मांगना बना दिया, 5 किलो राशन पर लोगों को खरीदना सिखा दिया, क्या पाँच और क्या कहते 80 लाख बंदे हमने, 80 करोड़ बंदे 80 करोड़ पर राशन दे रहे हैं, तो काम हुई, सारे गरीब ही आज भी देश में, जिस देश में 125 करोड़ जनता में से 80 करोड़ गरीब है तो वो देश कहाँ विकसित है, और डॉलर के रेट कहाँ चलेगा, आप इन चीजों को देखो ना। मैं नहीं, आप चलो, आप खुद जाकर देखो, मैं नहीं, आज का लोग वहाँ क्या जरूरत है हम दे देंगे, लेकिन बंदों के मन में सोच है ना, आज एक तरफ सोच पड़ी हुई है, हमने तीसरा विकल्प ढूंढना है, बीजेपी को भी छोड़ना है, कांग्रेस को छोड़ना, तीसरा विकल्प सिर्फ मात्र एक पार्टी है, वो भी बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय हमारी बहन जी, उसके अलावा तीसरी पार्टी नहीं है, तीसरा विकल्प जनता सोच के बैठी हुई है। आने वाले टाइम में ना आप जब चुनाव का रिजल्ट देखोगे तो आप देखोगे हर राज्य से बढ़ चढ़कर बहुजन समाज पार्टी की सीट आई है, आप खुद देखोगे, वो समय आने वाला है और समय आ चुका है। जैसे बहन जी ने एक बार कहा क्लीन स्वीप यूपी में, जब लोग वहाँ कहते नहीं यूपी में, तो बहन जी की 50 आ जाएंगी 60 आ जाएंगी, फिर बहुमत से सरकार बनाई थी, और इस बार भी हमारा पूरा दम है बहन जी के नेतृत्व में, आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, आने वाले टाइम में देखना कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और आदरणीय बहन जी देश की अगली प्रधानमंत्री बहन जी बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी, आप खुद देखोगे अपने, और आप हमारे पास आओगे उस टाइम, हो गई किसी ने कोई भविष्यवाणी करी है बहन जी के, और आप कहोगे वाक्य में हुआ, भविष्यवाणी है आज की, सच्चाई है। अच्छा, सच्चाई है, बिल्कुल सच्ची है, निर्धारित लिख लो, कहो तो मैं स्टैम्प पेपर बना दूं, कोर्ट में बनते हैं और लिखवा देता हूँ अभी। भैया जी का कहना आज मैं स्टैम्प पेपर पे लगा दूं, आने वाले समय में बहन मायावती प्रधानमंत्री बनने वाली है, जो भविष्यवाणी आज की है वो भविष्य में सच्चाई बनने वाली है अभी। और भैया, भैया क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद गौतम नाम है जी, प्रमोदबाग से। अच्छा, बात किया जिस तरीके उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भविष्यवाणी किया, क्या लगता है भविष्यवाणी कितनी हद तक सही है? ये भविष्यवाणी नहीं कहेंगे, उनकी अपनी कार्य पर भरोसा है, अपने वोटरों पर भरोसा, अपने भाइयों पर भरोसा है, जिसके आधार पर उन्होंने बोला है कि बीएसपी हमारी पूरे देश में अच्छी सीटों से आएगी और बहन जी पीएम बनेगी। अच्छा, जिस तरीके से अभी नई दिल्ली से गौतम जी नामांकन करने गए हैं, कितना हिम्मत है, कहाँ तक का सपोर्ट है और कितनी वोटों से जीतने वाले हैं? साहब, इनकी जो नई दिल्ली लोकसभा सीट है बहुत ही ज्यादा दमखम है, भोगल वगैरह तक, अपनी कम्युनिटी भी बहुत सारी है और अदर्स भी बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि अगर आज गोदी मीडिया के माध्यम से देखो तो आम जनता उनसे
तराई तराई है, जिसकी वजह से बीएसपी का विकल्प भी उनकी नजर में बचा है। जो लोगों की आवाज है कि इस बार हमने बीएसपी को वोट देना है। अच्छा, आपने बोधी मीडिया का सब उपयोग किया, क्यों किया है? क्योंकि हमारा बीएसपी का नहीं दिखाती, किसी और का नहीं दिखाती और सोशल मीडिया को बिल्कुल फेक बताती है। मतलब इतना गंद इन लोगों ने फैला रखा है कि वहां पर सिर्फ मोदी 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 और अमित शाह के अलावा कुछ नहीं है, या उनके दो बेटे अडानी और अंबानी, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब ये बेटे हैं उनके? हैं ये बिल्कुल बेटे हैं जी, जो भी देंगे हम उन्हें देंगे। और ये सभी करते हैं, कोई अपने माँ बाप है जितने भी है सब अपने बेटों के लिए करते हैं। चंदा दो और धंधा दो। अच्छा, चंदा दो धंधा लो, ऐसा काम? बिल्कुल साहब। अभी तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, अगर बोलते जाएंगे बात करते जाएंगे रात भी हो जाएगी। इनके इतने चिट्ठे मतलब इकट्ठे हो रखे हैं कि मतलब कर ही नहीं सकते, मगर माहौल अभी अगर इलेक्शन का तो इलेक्शन की बातें चल रही हैं। तो बीएसपी ही एक विकल्प है आम जनता के लिए कि इसको जिताएं, और पीएम जो है सच्चा बहन जी को बैठाएं वहां पर, बहन मायावती को, और न्याय कानून की परिस्थिति जो है बराबर रहे। इस तरीके से यहाँ पे सभी जनता मौजूद हैं और काफी लोगों ने हद तक बातें की। उन्होंने कहा कि एक समय था कि भाजपा की भी दो सीटें आया करती थी, आज जो 400 पार के दावे कर रही है, ऐसे ही आज बसपा का जिस तरीके से कहीं ना कहीं वोट में कमी है, लेकिन आने वाले समय में 400 का मतलब है 400 रुपया लीटर दूध, 400 रुपया किलो आटा, 400 किलो 400 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल, 4000 का सिलेंडर, 400 का मतलब ये है। हाँ, मोदी जी का मतलब ये है, यानी 400 पाए का जो मतलब था वो यहाँ पे समझा दिया है कि 400 पाए दूध है, 400 पाए पेट्रोल है, ऐसे तमाम चीजें है। मतलब यहाँ पे जो जनता है वो अपना जो मत रख रही है और सवाल उठा रही है सरकार पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले सरकार बनी भ्रष्टाचार के दौरान बीजेपी की, लोगों ने सोचा भ्रष्टाचार खत्म होगा, मगर भ्रष्टाचार उससे भी 100 गुना फालतू बढ़ गया। दूसरी बार सरकार बनी कि मैं चौकीदार हूँ, तुम 100 और मैं तुम्हारी चौकीदारी करूंगा। और तीसरा नारा इनका भी है कि 400 पार में जो देश थोड़ा बहुत बचा है 20-25%, चाहे बॉर्डर हो, चाहे आम जनता हो, चाहे उनकी कमाई हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उसको भी खा जाऊंगा और तुम अपना त्रासदी करते रहो। यहाँ पे जनता यहाँ पे अपने सारे मुद्दों को लेके आई, क्योंकि सवाल तो उठेंगे अगर देश में कहीं ना कहीं कमियां हैं और लोगों को अगर परेशानी हो रही है तो वो मुद्दों पे बात उठाएंगे। से यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा होता है, महंगाई का, और अब लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ पे भाजपा 2 सीटों से आज लगभग 400 सीटों पे आ गई है, आज बसपा का कहीं ना कहीं कम है, तो आने वाले समय में वो एक परचम पे जाएगी और मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी। इस विषय को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। तब तक के लिए देखते हैं पंजाब केसरी.com, कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं संचिन।